गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 12 फूड मैनेजमेंट। दिस इज वीडियो फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट जीके। चैप्टर नेम क्या है हमारा? फूड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग फ्लड और आफ्टर फ्लड हमें क्या क्या करना चाहिए, कि जब बाढ़ आई हुई हो उस टाइम पे क्या करना चाहिए और बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग फ्लड, स्टे सेफ इन योर होम अनलेस यू नीड टू इवैक्यूएट। आपको अपने घर पर सेफ रहना चाहिए तब तक कि क्या ना हो, आपको इवैक्यूएट की ज़रूरत ना हो, यानी कि किसी सुरक्षित जगह पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तब तक क्या करना चाहिए आपको? अपने घर पर ही रहना चाहिए। गैदर ऑल द रिक्वायर्ड एमरजेंसी सप्लाइज एंड स्टोर देम। जितने भी इमरजेंसी के टाइम पे हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए? गैदर, इकट्ठे कर लेना चाहिए और स्टोर कर लेना चाहिए। लिसन टू द रेडियो फॉर न्यूज़ अपडेट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या न्यू अपडेट के लिए, जो भी बाढ़ से रिलेटेड अपडेट आ रही है उसके लिए रेडियो सुनते रहना चाहिए, यानी कि आप रेडियो के संपर्क में रहें, रेडियो सुनते रहें। नेक्स्ट में बोला है स्टोर इशेंशियल्स इन वाटर प्रूफ एंड पॉलीथीन बैग्स टू कीप देम ड्राई। जो भी इशेंशियल्स हैं यानी कि डेली यूज़ की जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें हम वाटर प्रूफ या फिर पॉलीथीन बैग में रखें, जिसकी वजह से क्या हो, वो ड्राई रहे, सूखी रहे। स्टोर इनफ ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे एंड यूज़ इट वाइजली। जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का जो पानी है, उसे काफ़ी मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में हमें सेव करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, और जो स्टोर वाटर है उसे वाइजली यूज़ करें, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें। पानी पीना है आधा ग्लास तो हम पूरा ग्लास ना लें, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करें। नेक्स्ट में बोल रहा है इवैक्यूएट एज सून एज पॉसिबल इफ़ वाटर कम्स टू योर बिल्डिंग। जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी इवैक्यूएट हो जाए, यानी कि सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इवैक्यूएट यानी कि किसी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाना, तो जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इफ़ वाटर कम्स टू योर बिल्डिंग, यदि जो पानी है वो आपकी बिल्डिंग के साइड यानी आपके घर की साइड आ रहा है। टर्न ऑफ द मेन पावर, मेन पावर जो है वो ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और जो गैस सप्लाईज है आपके घर की वो सब बंद कर देनी चाहिए। मूव टू अ हायर एल्टीट्यूड इफ़ नीड एज इट इज़ ड्राई एंड सेफ। जो हायर एल्टीट्यूड की जगह यानी जो ऊंचाई की जगह है वहाँ पर चले जाने चाहिए, और वो जगह कैसी होनी चाहिए? ड्राई होनी चाहिए और सेफ़ होनी चाहिए, यानी सूखी होनी चाहिए और आपके लिए सेफ़ भी होनी चाहिए। ऐसी जगह पर ऊंचा स्थान देखकर बाढ़ वाले इलाके में यानी जहाँ पे फ्लड आया हो वहाँ पर चले जाना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आफ्टर फ्लड, यानी कि फ्लड के दौरान क्या क्या करना चाहिए, जब फ्लड हो जाए उसके बाद में, जब बाढ़ के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। गेट टीटनस वैक्सीन एज इन्फेक्शन माइट स्प्रेड। जो टीटनस वैक्सीन है वो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के बाद क्या होता है, बहुत सारे इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, टीटनस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए। पैक अ बैग विद इशेंशियल्स इन केस ऑफ इवैक्यूएशन। अगर आपको इवैक्यूएट होना है यानी कि कहीं सुरक्षित स्थान पर जाना है, तो उसके लिए आपको पहले से ही अपना बैग जो है वो रेडी रखना चाहिए, जिसमें आपके इशेंशियल्स यानी ज़रूरत के सामान हो। अवॉइड गोइंग टू द फ्लडेड एरिया एज इट इज़ कंटेमिनेटेड। जो फ्लडेड एरिया यानी जहाँ पर, जिस एरिया में बाढ़ आई है, वहाँ जाने को अवॉइड कीजिए, यानी वहाँ पर नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये कैसा एरिया है, कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड यानी कि दूषित एरिया है, वहाँ पर बीमारियाँ फैली हुई हैं और उसकी वजह से आपको भी कोई ना कोई डिजीज़ हो सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, वहाँ जाने से अवॉइड करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड पावर लाइन एंड रिपोर्ट टू द पावर कंपनी। अगर आसपास कहीं पर भी डैमेज हो रही है लाइन, जो लाइट की लाइन होती है, बिजली की जो लाइनें होती हैं, वो अगर डैमेज हो रही है तो उनसे दूर रहिए और रिपोर्ट टू द पावर कंपनी। दैट मीन्स कि आप जो भी कंपनी इसको प्रोवाइड करा रही है उसे इंफॉर्मेशन दे दें कि यहाँ पर लाइन जो है वो ख़राब हो रही है। नेक्स्ट, रिटर्न टू योर होम ओनली व्हेन द अथॉरिटीज़ वेरीफाई इट इज़ सेफ।
आपको अपने घर पर वापस तब आना है तब अथॉरिटी जो है वो वेरीफाई कर दे कि अब आप घर पर जा सकते हैं, वहाँ पर कोई ख़तरा नहीं है। अगर आप बाढ़ के टाइम पे अपने घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं तो उसके बाद आपको अपने घर वापस तब जाना है तब अथॉरिटी वेरीफाई करे, यानी कि आपको बोला जाए कि अब वो एरिया सेफ़ है, अब आप अपने घर जा सकते हैं, तभी जाएंगे। यूज़ ओनली बॉइल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग टू सेव स्टे हेल्थी एंड फिट। हेल्थी और फिट रहने के लिए आपको ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का जो पानी है वो कैसा यूज़ करना है, बॉइल्ड वाटर यानी उबला हुआ पानी यूज़ करेंगे आप उसके लिए। नेक्स्ट, डोंट यूज़ द फ्लड वाटर फॉर हाउस होल्ड पर्पज़, यानी घर के काम, हाउस होल्ड यानी कि घर के काम जो होते हैं उनके लिए बाढ़ का पानी का यूज़ नहीं करना है। अवॉइड एडिबल दैट्स केम इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लड। जो आपके खाने की चीज़ें फ्लड के कांटेक्ट में आई हैं यानी बाढ़ के कांटेक्ट में आ गई हैं, यानी उसके पानी में भीग गई हैं, कुछ भी हो गया है, तो आपको वो खाने की चीज़ें क्या करनी है, अवॉइड करनी है, उन्हें खाना नहीं, उन्हें कंज्यूम नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट में बोल रहा है आपको कि डैमेज सीवेज सिस्टम आर सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स, रिपेयर देम एज सून एज पॉसिबल। जो सीवेज सिस्टम होता है, जो नाली और नाले का जो पानी होता है, अगर वो वहाँ पे डैमेज हो गया है, वो टूट गई है, उसका पानी जो है वो आसपास रोड पे फैला हुआ है, तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना है आपको, जितना जल्दी हो सके उसको पॉसिबली सॉल्व करना है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको उतना जल्दी आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमारे कुछ ड्यूरिंग बाढ़ के दौरान और यानी बाढ़ के बाद की कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमें कैसे सॉल्व करनी है वो बताया गया है इस चैप्टर में, यानी कि जब बाढ़ आए तब हम क्या कर सकते हैं और बाढ़ के बाद की जो सिचुएशन है उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशंस दी गई हैं। बाकी आप इस चैप्टर को वापस से रीड करेंगे अच्छे से। थैंक यू।